ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાન તમને કદાચ કેટલા નવા નવા વ્યક્તિઓ જો ન્યુ કમર્સ હૈ વો શાયદ વો કવિરાજ શ્રી નવનીતભાઈ સંઘવી કો કમ પહેચાનતે હોંગે મગર વો દાદા ભગવાન કે માત્ર એક કવિ થે જિન્હોને આજ તક કમ સે કમ 1500 પદ લિખે હૈ ઓર उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने खुद ने ही पद दादा भगवान के विज्ञान पर पद बनाए, उन्होंने खुद ने ही पद को गाया और संगीत भी उन्होंने ही दिया। ये तीनों संगीत भी खुद ने दिया, गाया भी खुद ने और लिखा भी खुद ने। तो ऐसे महान कवि उनका स्वर्गवास थोड़े दिन पहले यानी 22 अक्टूबर 2019 में हुआ। उनकी उम्र भी उस समय 86-87 रनिंग हो गई और दादा भगवान के वन ऑफ द सीनियर महात्मा, दादा भगवान के जिन्होंने बहुत कृपा प्राप्त किया और दादा भगवान उनके ऊपर बहुत खुश थे और उनके पद से देश और विदेश के अंदर हजारों लोग उनका ये गीत गाते गाते कई लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया और कई लोगों का जीवन जो गलत रास्ते पर जाने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे, जिंदगी में जीवन उसका अस्त व्यस्त हो चुका था, फिर भी यही कविराज के पदों के सहारे उन्होंने अपना जीवन बिताया और यही पदों से उनको शांति और समाधान और एक बल मिला।
तो ऐसे पद कविराज श्री के हमारे मुस्लिम लोगों भी कितना है ना। हाँ, तो कविराज के जो पद हैं उनके कविराज की ऐप है कविराज कविराज पद पद कविराज पद प्लेयर कविराज पद प्लेयर ये आप प्ले स्टोर में लिखोगे कविराज पद प्लेयर तो उनके पिक्चर वाला फोटो आएगा, इसको डाउनलोड करेंगे तो करीब करीब इसमें 1000 पद उनके ही आवाज में है। तो आप कभी भी उसको सुन सकते हैं, गा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ऐसे महान कविराज श्री कि जिन्होंने अपने जीवन दादा भगवान ने उसको कहा था कि नरसिंह मेहता का ही अवतार है। तो ऐसे बहुत बड़े महान व्यक्ति जो आज हमारे बीच नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, मगर उनके पदों के माध्यम से आज भी वो हमारे बीच हमारे साथ और हमारे ही दिमाग या दृष्टि में वो घूम रहे हैं। तो ऐसे महान कवि तो कविराज के पद सुनने के बाद कही मुसलमान लोगों ने उसके साथ रुकवा जाए लेवा जाए थे तो वो नॉन वेज भी छोड़ देते थे। तो कहने का मतलब ये है ऐसे महान कवि जिनके पद आज हमारे पास है और उसकी विशेषता ये है कि कविराज ने ये सब पद दादा भगवान का सत्संग सुनते सुनते लिखा है, यानी दादा भगवान का पूरा विज्ञान इसमें एक या दूसरे एंगल से आ जाता है। हम तो यह चाहते हैं कि ये कविराज की वैसे तो उनकी हाजिरी में ही उनकी कीमत लोगों को समझ में आती है तो बहुत अच्छा था, मगर ये कलयुग है और कलयुग के अंदर जितने भी महान पुरुष हो गए इनकी महत्ता उनकी प्रेजेंट में थी ही नहीं, उनके जाने के बाद ही आई। तो ये कलयुग का एक क्रम है तो उसी बात को भी हम स्वीकार करते हैं, मगर उसकी महानता अगर लोग कम जानते हैं तो उनकी महानता कम नहीं होती है। जैसे जैसे लोग जानेंगे तो उसकी महानता उसके जाने के बाद और बढ़ेगी, जिज्ञासा और बढ़ेगी, लोग इनको इनके पदों को समझने का और कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जितने भी महान पुरुष थे शायद वो प्रत्यक्ष रूप तो जब थे तब इसको लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि उनकी प्रकृति बीच में आती है। क्या आती है? जब जाने के बाद प्रकृति नहीं होती है तो उनकी जो कही बातें हैं वो साफ दिखती है, बाकी उनका जीवन क्या था वो सब्जेक्ट नहीं है। पर जब जिंदा होते हैं तो उनका ज्ञान के साथ उनकी प्रकृति बीच में आती है तो उनके ज्ञान में रस नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंसान कोई भी चीज लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, इंसान जब कोई भी चीज लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो ऐसे ट्रैवल करते हैं तो हम कभी ये नहीं पूछते हैं, हम कोई सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारी नात क्या है, जात क्या है, तुम क्या करते हैं, तुमने शादी किया है कि नहीं किया है, तुम मारा मारी करते हैं कि नहीं, तुम बियर पीते हैं कि नहीं, तुम मीट खाते हैं नहीं, ये प्रश्न नहीं करते हैं। हमको जो चाहिए वो ले लेते हैं उनके पास से क्योंकि वो हमारी जरूरत है। यह सुन लो तो वहाँ उनका कैरियर नहीं देखते हैं, आप समझे ना। मैं कहीं फ्लाइट में जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा पायलट कौन है, कौन सी कास्ट का है, मीट खाता है कि नहीं, देखता हूँ मेरा सब्जेक्ट क्या है वहां से यहाँ से वहां जाना। ऐसे ज्ञानी के पास भी यही सब्जेक्ट होना चाहिए कि उनका ज्ञान मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, उनका लाइफ वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि उनका लाइफ भी उनके अधीन नहीं है, जैसे आप सबका अधीन नहीं है उनका लाइफ भी नहीं है, उनका लाइफ भी कॉज और इफेक्ट के अधीन है। फिर भी लोग ज़्यादातर उनके लाइफ देखते हैं। हाँ, कोई भी महान पुरुष की लाइफ में ये दो बात देखनी चाहिए कि वो विषय या लक्ष्मी के भिखारी नहीं है, इतना तो कम से कम पब्लिक में आते हैं तो देखना चाहिए, बाकी की बात में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। सबका अपना अपना इंडिविजुअल उदय है, क्या है, मगर उसके पास जो ज्ञान है उसकी गहराई में जाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। उनकी लाइफ देखोगे तो
तो वो आपके लिए अवरोध या तो अंतराय बनेगा। ऐसे हमारे कविराज जी काफी वो सिंपल थे, हमारे दादा भगवान भी, उनकी लाइफ काफी सिंपल थी। सिंपल ड्रेस, लाइफ के अंत तक वही ड्रेस उन्होंने पहना, वही धोती, वही शर्ट, वही कोट और वही टोपी, जो 20 साल 25 साल से शुरू किया था अंत तक वही पहना, कोई चेंजेस नहीं। मकान भी बिल्कुल सिंपल, कोई फर्नीचर, कोई रॉयल लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं था उनको, आप समझे। और 30 रुपया के किराए के मकान में रहते थे वो, घर में 500 रुपया एक्सपेंड के वो देते थे, तो कोई लग्जरी लाइफस्टाइल भी नहीं थी उसके, आप समझे ना। तो ऐसे महान पुरुष सिंपल होते हैं, क्या होते हैं। अभी एक महात्मा ऊपर आए, बहन, तो उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी, आप तो पहली बार मिले, मगर ऐसा लगता नहीं है कि कोई आप कोई कोई बड़े व्यक्ति है, तो उसको मिलने के लिए जो डिस्टेंट होता है वो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, है ही नहीं, जैसे कोई जान पहचान वाले व्यक्ति को मिलते ऐसा लगता है, कोई अंतर नहीं लगता है। तो ये हर महान पुरुषों के अंदर ये सरलता अपने आप होती है, वो प्रकृति के आधार से महान नहीं है, उनके पास जो ज्ञान है उसके आधार से महान है। तो प्रकृति की तो उनकी कैसी होती है, सिंपल होती है। राधा भगवान के पास भी कोई भी जा सकते थे, हमारे कविराज के पास भी कोई भी व्यक्ति जा सकते थे। कोई महान पुरुष वास्तव में प्रकृति के आधार से वो एटिकेट नहीं बोलते हैं, वो सिंपल होते हैं, यही तो इसकी महानता होती है। और जो वास्तव में एटिकेट वाले होते हैं वो महान होते नहीं, महान का दिखावा करते हैं, आप समझे ना। तो सबका अपना अपना प्रकृति होता है, मगर कोई भी महान व्यक्ति सिंपल ही हो सकती है, टिपिकल नहीं हो सकती है। वो खुद जानते हैं कि मैं यहाँ तक आया, वो कितना संघर्ष झेल के आया हूँ। तो कोई व्यक्ति मेरे पास आएगी तो उनको मैं किस प्रकार से हेल्प कर सकूँ, वो ही इसका इंटेंशन होता है। तो इसमें वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, तवंगर है, पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो नहीं देखते हैं, वो यही देखते हैं कि मैं कैसे उसको हेल्प कर सकूँ, आप समझे ना। हमारा संपर्क कविराज से दादा भगवान के समय तो नज़दीक में 2-4 बार ही हुआ था। नज़दीक का मतलब बात करने का, मिले तो बहुत बार थे मगर बातचीत करने का उस समय न तो संजोग था और न ही हमारी ऐसी कोई सोच थी, और वैसे उम्र भी बहुत कम थी, 22-23 साल की उम्र थी, तो इतना कोई संपर्क नहीं था। मगर दादा भगवान के देह विलय के बाद आफ्टर 87 जब जब भी मिलते थे और जब भी मैं बम्बई जाता था तो उनकी इच्छा रहती थी कि आप हमारे घर पे आइए, हमको मिले, कुछ बातचीत करें। और मैं जितने भी बार बम्बई जाता था, साल में 1-2 बार, तो वो मेरे साथ ही रहते थे सुबह से शाम तक। और अभी भी लास्ट 2-3 साल का सत्संग देखोगे तो मेरे बगल में ही बैठे हैं। वो जब भी सत्संग में आते थे कुछ भी बोलते नहीं थे, न कोई गाना गाना, कविराज के पद गाना या कोई सत्संग की बात करना, कुछ भी नहीं, वो शांति से बैठेंगे और वो सुनते रहेंगे। कभी कभी कोई प्रश्न होता है तो वो प्रश्न कर भी लेते हैं, पर उसकी ये सरलता थी, क्या थी, आप समझे ना। तो थोड़े लास्ट 5-10 साल तक तो हमारा परिचय दोनों का बहुत अच्छा रहा, और देश और विदेश के जो महात्मा उनके परिचय में थे, प्रत्यक्ष या फोन के माध्यम से, वो सबको बता रहे थे कि आपको आगे बढ़ना है तो कमलेश आनंद जी का सत्संग या तो प्रत्यक्ष सुनो या तो यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हो। ऐसा कितने लोगों को बताया, कितने लोगों को, मेरे को नहीं मालूम होता है, जब मेरे को मिलता है तो वो बताता है कि कविराज ने मेरे को कहा, इसीलिए हम आपके यहाँ आए सत्संग में। तो ऐसे कविराज कहो कि एक वो पारखू थे, पारखू यानी क्या बोलेंगे इसको, जौहरी पंथ था उसके पास, तो वो समझ जाते थे। हालांकि दादा भगवान के तो अभी भी आज 24 आप्तपुत्रस है, उसमें से 1-2 को छोड़ के
सभी आपका पुत्र आज एक्टिव है, तो फिर भी वो कहते थे कि नहीं, अगर आपको ज्ञान और विज्ञान में और अध्यात्म में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना है तो उनका सत्संग जरूर सुनो, प्रत्यक्ष या तो परोक्ष। तो ये बहुत कहते थे। और लास्ट में कविराज के साथ, कविराज श्री के साथ जो अंतिम सत्संग हुआ उनके ही घर में 12 अक्टूबर 2019, 22 अक्टूबर का उसका देहांत हुआ और 12 अक्टूबर को हमारी लास्ट मुलाकात थी। उस समय 2-2.5 घंटा सत्संग उनके साथ हुआ, वो खुद ने रिकॉर्डिंग किया, क्या किया, कैमरे से खुद ने रिकॉर्डिंग किया है, तो इसीलिए उनका पिक्चर नहीं आएगा, वो खुद रिकॉर्डिंग करेंगे तो नहीं आएंगे ना, तो मेरा पिक्चर आएगा और महात्मा का पिक्चर आएगा, उनका पिक्चर नहीं आएगा। तो बाद में उसका रिकॉर्डिंग भी ऑडियो के फॉर्म में आ गए, हमारे ग्रुप में सबको मिल गया है, कविराज सर के साथ वो लास्ट सेशन था। तो कहने का मतलब ये है, कैसे महान कविराज जिनके पद आज हमारे सामने पद्य के रूप में विद्यमान है और हम सब भी उसका समय समय पे उसका लाभ उठाएं, यही मेरी प्रार्थना या भावना है। अभी बस किसी को प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। મારે થોડું પુરુષાર્થના લેવલે સમજવું છે કે મૂળ આત્માનો સ્વભાવ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને પતિથી આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં દ્રષ્ટિ અને દ્રષ્ટામાં શું ફરક છે? દ્રષ્ટિ અને દ્રષ્ટામાં તીન શબ્દ સવર રોજિંદગી પૂરી જ લાઈફ કે લીએ, દ્રશ્ય દ્રષ્ટિ ઓર દ્રષ્ટા, એ તીન શબ્દ સમજ લો। क्या बताया? दृश्य दृश्य और दृष्टा, दृश्य दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का मतलब दिखता है वो, दृष्टि का मतलब दृश्य को देखने वाला, और दृष्टा का मतलब होता है दृष्टि को प्रकाश करने वाला। क्या बताया? दृश्य को प्रकाश करने वाला वो दृष्टा है, दृष्टि को प्रकाश करने वाला वो दृष्टा है, दृष्टि को प्रकाश करने वाला और दृश्य को देखने वाली दृष्टि है, दृष्टि है। समझ में आ गए? तो दृश्य है वो बाहर दिखता है, ये भी दृश्य है और देखने वाली दृष्टि है जिसको कहेंगे प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको कहेंगे प्रतिष्ठित आत्मा, और दृष्टा है वो परमात्मा है। तो परमात्मा के प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा अपनी दृष्टि के लेवल के मुताबिक दृश्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ज्ञान दर्शन में क्या फर्क होता है? वो ज्ञान और दर्शन में, ज्ञान दर्शन में हाँ, ज्ञान का मतलब होता है, वैसे बहुत सारी परिभाषा है शास्त्रों में भी है और अवतवाणी में भी है, मगर मैंने ज्ञान दर्शन की परिभाषा विज्ञान के हिसाब से काफी सिंपल कर दी। ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूँ वो ज्ञान। अच्छा। और दर्शन का मतलब मेरे अलावा पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, इसका सैद्धांतिक ज्ञान, इसको कहते हैं दर्शन। तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं तो ज्ञान दर्शन उसे बोला नहीं जाता है, ज्ञान और दर्शन ही बोला जाता है। आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है, आत्मा में ज्ञान है, उनकी हाजिरी से जो दिखता है इसको दर्शन कहते हैं। अच्छा। हाजिरी में जो वो देखने वाला नहीं है, जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश, और प्रकाश की हाजिरी में हमने हमको दुनिया दिखती है, वो दृश्य के रूप में दिखता है, तो वो दृश्य के रूप में देखने वाली दृष्टि है। हाँ। मगर सूर्य नारायण दुनिया को देखते हैं नहीं है, नहीं है। ऐसे आत्मा प्रकाशक है और प्रकाशक उस प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो दृष्टि है। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा मतलब हूँ जो खड़ा हुआ है, वो अस्तित्व का जिसको भान हुआ है वो। आज मेरे को कौन सा भान है? मैं शरीर हूँ। हाँ। और फिर दृष्टि मिली तो मैं आत्मा हूँ, मगर आत्मा का भान अभी पक्का नहीं है, शरीर का भान तो पक्का है ही,
अभी वो कमजोर नहीं हुआ है, दोनों का ज्ञान तो मिला मगर कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अज्ञान नहीं निकला है। क्या नहीं निकला है? अज्ञान नहीं निकला है। नॉलेज दोनों का हो गया है, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये दोनों का नॉलेज मिल गया, मगर इसका प्रभाव, इसकी बिलीफ के आधार से जो प्रभाव है शरीर का, वो कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारी दृष्टि में उसकी वैल्यू जीरो नहीं हुई। इसकी वैल्यू जीरो होगी तभी आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी, दोनों के साथ में समझ में नहीं आएगी। यानी कि लाइव में जो चलता रहता है वो जो ज्ञान दर्शन, तो लाइव में चलता ही रहता है, वो अज्ञान दृष्टि होने से वो अज्ञान का पुरुषार्थ चलता रहता है, ज्ञान दृष्टि वो लाइव तो है, आत्मा का जो पूर्ण प्रकाश हो तो लाइव ही रहता है, लाइव लाइव। लेकिन वो डिमार्केशन तो आप ज्ञानी तक ही फर्क पड़ता है कि ये जो बाहर वाला है और ये अंदर वाला भाग है, यानी कि जो कुदरती रचना आप समझाते हैं, जो मन वचन का है, जो डिस्चार्ज रूप है, वो समझाते, उस तरफ दृष्टि हमारी रहनी चाहिए। तो कुदरती कुदरती कुदरत कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना, ये तीनों पार्ट को, इसका एक नाम है दर्शन, और आत्मा को समझना उसका एक नाम है ज्ञान। तो ये कुदरत कुदरती कानून कुदरती रचना को समझना ये है सम्यक दर्शन, और आत्मा को समझना इसको कहते सम्यक ज्ञान। ये समझे तो ये तो हमारी शुरुआत से बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई ना ये समझने की, बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो हर ज्ञानी पुरुष ने अपने हिसाब से अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है और अलग अलग डेफिनेशन दे दिया है, जिसको जो लगा वो कहा है, और वो उसी समय वो करेक्ट ही था। क्या बताया? करेक्ट था। आज हमको लगता है कि ज्ञान दर्शन की परिभाषा उल्टी सुलटी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल दो मैं कौन हूँ वो ज्ञान हूँ, मेरे वाला जो कुछ भी है वो सिद्धांत से समझना वो दर्शन है, वो श्रद्धा से समझना वो रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य से फंसे हैं, सनातन सत्य समझ में आ गया तो फिर फंसेंगे नहीं, तो सिंपल कर दिया। क्या कर दिया? सिंपल कर दिया, तो फिर पजल नहीं होगा। दादा भगवान ने ज्ञान और दर्शन की व्याख्या ये कहा है, हालांकि बहुत सारी व्याख्या बताई है, उसमें एक व्याख्या ये भी है कि कोई भी चीज को अप्रोक्सीमेट समझना। क्या बताया? एक प्रश्न समझना, अप्रोक्सीमेट उसको दर्शन कहते हैं, है। और एग्जैक्ट समझना इसको ज्ञान कहते हैं। એટલે ગુજરાતી મેં ઉસકો કહા હૈ કઈક છે એ દર્શન અને આ છે જ્ઞાન એના એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે આપણને દૂરથી કોઈ એનિમલ દેખાતું હોય હજાર ફૂટ દૂરથી તો આપણને લાગે ગાય છે ગધેડું છે ઘોડો છે એવું દેખાય દૂર એટલે એપ્રોક્સિમેટ દેખાય છે કે ભાઈ એનિમલ છે એ દર્શન છે ત્યાં ગયા પછી ખબર પડી કે આ તો ગધેડું છે એ જ્ઞાન છે એ આ એમની ડેફિનેશન હતી પૂરી સૃષ્ટિ મન વચન કયા કે જો ભી સંજોગ હૈ પાંચ ઇન્દ્રિયો મેં સે અનુભવ મેં આતી પૂરી દુનિયા વો દર્શન હૈ ફિર વો દર્શન મિથ્યા ભી હો સકતા હૈ ઓર સમ્યક ભી હો સકતા હૈ ડિપેન્ડ आप बोल रहे आप मैं सुन रहा हूँ कि जो हमें अज्ञानी निकालना है तो अज्ञानी यानी कि संसार का जो भी हमने प्राप्त किया है संसार में जो जो दिखता है उसको हमें प्राप्त किया उसको निकालना होता है यानी कुदरती रचना वो ज्ञान है और बाकी का सारा अज्ञान होता है अज्ञान अज्ञान वो पैकेज है क्या है पैकेज है और पैकेज का हर डिटेल अज्ञान है अच्छा क्या बताया पैकेज का हर डिटेल अज्ञान है अज्ञान है मतलब वो बिलीफ वो अज्ञान है पैकेज का मतलब क्या हुआ बताऊं मैं आपको ये मन वचन काया ये पांच इंद्रिया मन वचन काया और पांच इंद्रिया से जो अनुभव में आता है और ये मन वचन काया से जो विचार वाणी और वर्तन होता है सफरिंग होता है ये सब रॉन्ग बिलीफ से है क्या है रॉन्ग बिलीफ से बस लेकिन वो अज्ञान है लेकिन वो अनुभव तो गिना जाता है ना है अज्ञान है अज्ञान लेकिन वो अनुभव तो होता है उसको अनुभव तो गिना जाएगा मगर अज्ञान है वो हाँ अज्ञान वो समझ गया आप जो भी अनुभव कहोगे वो अज्ञान है अज्ञान है वो आत्मा ये आत्मा का अनुभव नहीं है आत्मा का अनुभव ये आपकी बिलीफ के आधार से अनुभव है
अच्छा बिलीव के आधार वो वास्तविक अनुभव नहीं है। नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से वो स्टेप तो होता ही है ना। स्टेप नहीं है ये तो रिलेटिव सत्य। तो जब से भी आप बड़े होके जाओगे एज अ ह्यूमन तो ये तो अज्ञान तो आपको ज्ञान के रूप में मिलेगा। ये अज्ञान को ही दुनिया में इसको ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। जैसे कहते ये मेरे फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है। ये अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। आध्यात्मिक मार्ग में उसको अज्ञान कहते हैं। हाँ। और सामाजिक मार्ग में उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य है। लेकिन जो अज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य नहीं है इसीलिए। हाँ, सनातन सत्य नहीं इसलिए इसीलिए अज्ञान है। अज्ञान है। तो सनातन सत्य में आप कौन हो? हाँ, शुद्ध आत्मा है। सामने वाला कौन है? शुद्ध आत्मा है। कोई भी स्टेटस है कौन है? शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा है वो सनातन सत्य है। और रिलेशन है वो रिलेटिव सत्य है। लेकिन सॉरी जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान वही अज्ञान है। क्योंकि वो टेम्पररी है। टेम्पररी आज और कल, इसकी बिगिनिंग भी है और एंड भी। एंड भी और सनातन सत्य की बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। अभी समझ में हम फंसे किस में है? रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य को रियल सत्य माना इसीलिए फंस गए। रिलेटिव सत्य गलत नहीं है। हाँ, रिलेटिव सत्य को रियल सत्य मानना वो गलत है। वो गलत है, बस बराबर है। व्यवहार से कहूं कि मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति पत्नी है, वो करेक्ट है। मगर बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ओनली, बाय रियल व्यू पॉइंट करेक्ट नहीं। तो हमारे लक्ष्य में रखना है रियल व्यू पॉइंट और उदय के अधीन होगा रिलेटिव व्यू पॉइंट। उदय के अधीन, पुरुषार्थ के अधीन नहीं। बिल्कुल क्लियरली समझ लो। पुरुषार्थ के अधीन तो मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ और सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो शुद्ध आत्मा है पुरुषार्थ के अधीन। और उदय के अधीन क्या है? ये मन वचन काया और उनके साथ मिले हुए कोई भी मन वचन काया वो कुदरती रत्न है और रिलेटिव रिलेशन उसके साथ है। आप समझे ना? तो वो फैक्ट नहीं है और परमानेंट भी नहीं। वो कुदरती रचना के अधीन है। लेकिन यहाँ से एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक का जो भी ज्ञान मिलता है इंद्रिय द्वारा वो तो बट नेचर नहीं है स्वामी जी। वो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय का बट नेचर है, मगर जो बुद्धि होती है वो बट नेचर नहीं है। हाँ। तो मनुष्य में आने के बाद तो पजल है। पहले तो पजल है ही नहीं। अच्छा। पहले तो संज्ञा होता है। हाँ। एक से पंच इंद्रिय में उसको गाड़ी बंगला मोटर नहीं चाहिए। मनुष्य में आने के बाद यही तो तकलीफ है। फिर राजदेश होते हैं। हाँ। फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है, सब जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। वहां तक कुछ भी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक से पंच इंद्रिय तक मनुष्य में आने के बाद शुरू होती है, क्योंकि बुद्धि मिला ना तो जिम्मेदारी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। और सब एक समझ जाता है कि निगुद का वो स्थान कहाँ होता है? निगुद जो जीवात्मा बोलते हैं कि जो निगुद में होते हैं वहां से एक आत्मा मोक्ष में जाते हैं, बाकी वहां से दूसरा निगुद में से व्यवहार राशि में आता है। तो निगुद का अस्तित्व कहाँ होता है? पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही होता ही है। अलोक में। अलोक है वहाँ। ये मैंने तीन डिविजन लगाया था ना, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं। लोक, अलोक और लोकालोक से परिसिद्ध क्षेत्र। तो अलोक, अलोक यानी कहाँ होता है? अलोक, अलोक का मतलब निगुद। नहीं, निगुद उसका वैसे ये मध्य लोक है। लोक के बाहर अलोक है। अच्छा, लोक के बाहर। लोक का मतलब होता है चौदह राजलोक। हाँ। अलोक का मतलब होता है चौदह राजलोक के बाहर। अच्छा, बाहर होता है वहां। हाँ। से आता वो। नहीं, बाहर इसीलिए बताया क्योंकि नहीं तो प्रिंसिपल सेट नहीं होगा। अच्छा, सिद्धांत बैठेगा नहीं। हाँ। सिद्धांत क्या है? लोक के अंदर कभी भी जीवों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। अच्छा। हाँ। क्या बताया? ये कुदरत का कानून है। किसका कानून है? कुदरत का कानून। इसमें कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। हाँ। तो फिर मोक्ष में जाएंगे तो फिर क्या होगा? कम हो जाएगा। और लोग भी यहाँ है तो फिर कम कैसे बताओगे? लोग बाहर है तभी तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ लोक में क्या होगा? इक्वल होगा, हो जाएगा। अगर आप लोक में ही अलोक बताओगे तो फिर पजल हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल सेट नहीं होगा। तो जो सिद्धांत की बात करनी है वो नहीं होगी सेट। तो लोक का मतलब होता है चौदह राज लोग, उनमें जीवों की संख्या फिक्स है, कभी कम ज्यादा नहीं होती है। इंटरनल प्लस माइनस होता है। क्या होता है?
प्लस कभी मनुष्यों की संख्या ज्यादा, कभी पशुओं की ज्यादा, कभी देवलोक में ज्यादा, कभी नरक लोक में ज्यादा, ऐसा हो सकता है, मगर टोटल क्या होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। और इस लोक से, मनुष्य लोक से जो भी लोग मोक्ष में जाएंगे, इतने निकोष से व्यवहार राशि में आएंगे, उसका वो भी एक केंद्रीय में आएंगे। उसका क्या फॉर्म होता है निकोष में, बॉडी में फॉर्म क्या होता, कैसा होता है? बिल्कुल बेभान नहीं, वो एक इंद्रिय तो होता ही है, वो तो होगा मगर बेभान अवस्था, बेभान अवस्था, इनएक्टिव। एक इंद्रिय भी इनएक्टिव मोड, क्या बताया, इनएक्टिव, इनएक्टिव। एक इंद्रिय भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव क्यों नहीं है, टाइटल नहीं है। और यहाँ व्यवहार राशि में एक इंद्रिय को टाइटल है, जैसे हर सब्जी का नाम होता है, हर फ्लावर का नाम होता है, हर फ्रूट्स का नाम होता है, सब एक इंद्रिय है, मगर टाइटल मिला ने टाइटल तो लाइफ बनी, वह टाइटल ही नहीं है। निगोद में कोई जीव का टाइटल नहीं है, आप समझे। तो व्यवहार राशि से उसकी फिर ग्रोथ होता है, क्या होता है, ग्रोथ होता है, वहां कोई ग्रोथ नहीं है, नहीं है। जय सच्चिदानंद। बॉडी में ब्लड सब है, ब्लड में सेल्स है, उनका भी जीव लाइफ स्पैन होता है, वो भी डेड होता है, फिर वो क्या लाइफ जीव राशि होते हैं क्या? रक्त कण से श्वेत कण, ब्लैक सॉरी रेड एंड व्हाइट सेल, इसको गुजराती में कहते हैं रक्त कण और श्वेत कण, वो जीव है, वो एक इंद्रिय में आ जाते हैं क्या? एक इंद्रिय, हम श्वास लेते हैं वो भी जीव है, पानी पीते हैं वो भी जीव है, हम खाना खाते हैं वो भी जीव है। तो ये शरीर तो बहुत सारे जीव के एक संग्रह है ऐसे। वो है नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें कितनी फैमिली रहती है, मानो कि 100 मंजिले का बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो 400 फैमिली होगी, ठीक है, बॉडी में, मगर एक बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स रहते हैं। ये तो पंखी का माला है, क्या है हमारी बॉडी, वो समझ में नहीं आता है, हम कहता है हमारी बॉडी है, मेरी बॉडी नहीं, तुम्हारी है, ये कुदरत की दी हुई है, चलाने वाला भी कुदरत है, तुमको कुछ मालूम नहीं होता है, ये बिना वृद्ध आप जी नहीं सकते हैं, यस और नो? वो कौन देता है? बिना पानी जी नहीं सकते, पानी कौन देता है? बिना वनस्पति आप जी नहीं सकते, कौन देता है? तो ये सब कुदरत का है, तुम कहते हो मेरा है, यही तो अज्ञानता है। कुदरत ने कहा बॉडी मैंने बनाया है, मेरा ही रॉ मटेरियल है, मेंटेन भी मैं करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी मैं करता हूँ, सिर्फ आपको सफरिंग का संजोग देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ, मगर बिकॉज ऑफ योर कॉज, मैं अपनी मर्जी से किसी को सुख दुख का संजोग नहीं देता हूँ, आप समझ में आए? तो ये बॉडी का टोटल ऑपरेशन कुदरत का ही है, इसमें हमारी ओनरशिप, डूअरशिप कोई भी दृष्टि से, कोई भी एंगल से है ही नहीं, मगर अज्ञानता के बस और लोक संज्ञा से हमने मान लिया कि मेरा शरीर है, अभी मैंने किया, कुछ नहीं कर सकते आप समझे ना? अभी एक शरीर में एक आत्मा नहीं तो बहुत आत्मा हो गए, ये शरीर का मूल आत्मा एक ही है, बाकी जो शरीर में जीव है इसका आत्मा है, इसको बॉडी के साथ डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है, ये बॉडी को जीवित रखने के लिए कुदरत ने दिया इसको, इसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, समझ में आया? जैसे कुदरत हवा देती है तो उसमें भी जीव है, तो हमारे उसके साथ क्या राग द्वेष है? जो पानी पीते हैं उसमें भी जीव है, तो हमारा क्या हिसाब है? वनस्पति खाते हैं उसमें भी जीव है, हमारा क्या हिसाब है? तो ये बॉडी को जीवित रखने के लिए ये कुदरत ने सप्लाई किया है, टू मेंटेन दिस बॉडी, टू सर्वाइव दिस बॉडी, मगर ये बॉडी जो बनी है कुदरत के सहाय से, तो बॉडी को जो सफरिंग होता है, इसमें जो ईगो सफरिंग फील करता है अच्छे बुरे का, बस यही कनेक्शन है, मगर बॉडी है कुदरत का, संजोग भी है कुदरत का, और भुगतान करने वाले है अपना डिस्चार्ज ईगो, जो पिछले अवतार में लाइव था, अभी क्या हो गया डिस्चार्ज, वो कहता है कि मेरे को सुख मिला, मेरे को दुख मिला, वो भी बिलीफ है। एक बॉडी में एक प्रतिष्ठित आत्मा तो एक चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है, और दूसरा आत्मा सब ऐसे, वो तो बॉडी को जीवित रखने के लिए। और एक हम
पहले दूसरे कुछ फॉलो कर रहे थे, अभी आपको सुन के यहाँ आए। इससे क्या होता है, वहाँ हमने सुना ज्ञानी की विनय में रहना है, स्वच्छंदी नहीं बनना है, अपने ही बुद्धि से ये सही है गलत सोचकर हम अध्यात्म मार्ग में कुछ स्टेप्स लेंगे तो हम गिर सकते हैं। तो ये स्वच्छंद के बारे में क्या आप अध्यात्म लेवल से क्या साइंस होता है? तो गिर सकते हैं, गिर सकते हैं का मतलब क्या है, आप कभी भी कहीं भी जाके गिरना चाहते हैं तो गिर सकते हैं, इसमें भय स्थान की क्या जरूरत है। कोई भी धर्म होता है वो बिना भय स्थान होता ही नहीं है, और कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भय की बात ही नहीं करता है। ये फंडामेंटल डिफरेंट है। क्या बताया, जहां भय है वहां धर्म है, क्या बताया, और जहां निर्भयता की बात है वहां अध्यात्म विज्ञान है। तो विज्ञान में भय नहीं होता है और भय में विज्ञान नहीं होता है। अभी हमारा ज्ञान जो हम जो समझ सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के कारण, हम कुछ मार्ग या कोई सत्पुरुष को समझ सकते हैं, वो हमारा डेवलपमेंट का लेवल होता है जी। अगर हम कुछ और फॉलो कर रहे थे, बाद में हमको कुछ और अच्छा लगने लगा और सही लगने लगा, तो वो सत्संग में नहीं आएगा तो नहीं, 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 नहीं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर हम पांचवी कक्षा में पास हो गए और छठी में गए तो हमने टीचर को छोड़ दिया, किताबों को छोड़ दिया, क्लास को छोड़ दिया, तो क्या वो इंसल्ट है? बोला मैंने इतना साल पढ़ाया आपको, तुम मेरे को छोड़ देते अभी, ऐसा कहेंगे? नहीं। ऐसा कहेंगे नहीं। यही तो प्रगति का मार्ग है। क्या है प्रगति का मार्ग? That's it. और हमको शिक्षा देने वाले शिक्षकों को खुश होना चाहिए, प्रोफेसर को खुश होना चाहिए कि मैंने पढ़ाए हुए बच्चे महान हुए, अच्छे काम किए, कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कोई नेता बने, कोई अभिनेता बने, कोई धर्मगुरु बने, तो ये मेरे गर्व की बात है कि मैंने पढ़ाया है। उसको पकड़ के रखना वो गर्व की बात नहीं है, वो तो ओनरशिप है। क्या है? मुक्त रखो सबको, सबको विकास करने दो, पकड़ के मत रखो। दादा ने एक जगह बोला है कि गुरु अपने बना लिया है तो उसको पकड़, उसको कैसे भी हो कुछ भी गलत करो तो उसको फॉलो करते रहो तो उसमें ही आपको प्रगति है, उसकी गलती मत देखो। वो गुरु को फॉलो करना वो धर्म है, और गुरु के ज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो गुरु के माध्यम से प्लेस हुआ है, मगर गुरु भी उसका ओनर नहीं है, इसको फॉलो करेंगे तो मोक्ष है। नहीं समझ में? अगर कोई भी गुरु ज्ञानी के रूप में सनातन सत्य की बात करता है, और सनातन सत्य के मालिक वो ज्ञानी भी हो सकते हैं नहीं है, मगर अनुभव इनका है, अगर वो अनुभव हमको बताते हैं और इसी को फॉलो करते हैं तो इसे मोक्ष है। मगर ज्ञानी या गुरु होते मैं अपने नियमों को आपको बताऊंगा और फॉलो करने को कहूंगा तो वो धर्म है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे पुण्य हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूं, मगर मुक्ति नहीं है। क्या बताया? मुक्ति नहीं। हाँ, मुक्ति नहीं है, पुण्य हो सकता है जैसे अन्य धर्मों में भी है, और इसीलिए तो मैं रिचुअल्स की बात नहीं करता हूँ। मैंने 20 साल तक बात किया, कितना 20, या क्रम विज्ञान की बात मैंने 20 इयर्स किया, कितना 20 समझ में आया? फिर मेरे को लगा कि जो विज्ञान शब्द का प्रयोग है और बाद में ये बात करना, ये दोनों ठीक नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है मेरे को भी विज्ञान की बात करनी है, तो वो गलत है ऐसा मैंने नहीं कहा, ये रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है, बस खत्म हो गई। आपको जो फॉलो करना है करो, वो आपकी चॉइस है, मेरी कोई जबरदस्ती, और मैं भी नहीं कहूंगा कि आप रिलेटिव सत्य को फॉलो करेंगे तो आप गिर जाओगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे, पुण्य तो होगा ही, आप समझे ना, इसलिए डराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो साइंस को फॉलो करो, और
पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो धर्म और रिचुअल्स को फॉलो करो, दोनों मार्ग है, चूज एनी वन, आप समझे ना। तो इसीलिए गलत है वो तो प्रश्न है ही नहीं। एक महात्मा को ये पूरा सुन के एक पजल खड़ा हुआ, भाई भी पतंज को भाई कहें क्या कहें, उसको लगा कि मतलब एक तो बहुत ही डीप थ्योरी है सारी, रिलेटिव वर्ड पूरा बिल्कुल बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है, जैसे अशून्य है ये, जैसे तो उसने कहा कि अभी तो हम धर्म करना पूजा पाठ ये सब छूट गया, हमारा दान व्रत वगैरह सब छूट गया, सहज ही छूट गया उसका, तो हमारे पुण्य नहीं बनेंगे तो हम इसमें कैसे ऊपर चढ़ेंगे, इस ज्ञान को समझने के लिए पुण्य तो चाहिए, तो हम कैसे ऊपर जाएंगे, ये पजल हुआ उसको। वो तो पजल हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, यहाँ आने का है उसके लिए पजल है तो हम क्या करेंगे। वो आ नहीं पाती है, शारीरिक थोड़ी है जो भी, अच्छा फिजिकल भी कर, फिजिकल भी हाँ। उनको कहो कि भी पाप पुण्य की जरूरत तब तक है जब आप भौतिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो आप लोगों के कल्याण की भावना करते हैं, लोगों के सामने संभाव रखते हैं, और लोगों के लिए यही भावना करते हैं कि अपने अज्ञानता से मुक्ति पाए, यही भावना से आपको आध्यात्मिक क्रेडिट मिलेगी। अच्छा। आप समझे ना, जगत कल्याण की भावना कहो, किसी को अज्ञान को निकालने की भावना करो, लोग बंधन से मुक्ति पाए ऐसी भावना करो, उनको मुक्त पुरुष मिले ऐसी भावना करो, ये सबका आपको बैलेंस मिलेगा, क्योंकि वो आप स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे और संसारी हेतु भी नहीं है, नहीं है। तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में सहयोग मिलेगा। अच्छा, अब सुन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ ज्ञाता और दृष्टा दरअसल आत्मा ही है, ज्ञाता दृष्टा दरअसल आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा जहां तक बॉडी है वहां तक इसका स्वभाव है। स्वामी जी, वो तो पहले हम मानते थे क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रकृति अलग है, बाद में मालूम हो गया ये बीच में प्रतिष्ठित आत्मा एक आत्मा है, और अभी मालूम हो रहे हैं ये प्रतिष्ठित आत्मा वो चार्ज का भी एक होता है और डिस्चार्ज का भी एक होता है, वो तो चार्ज का मालूम हो गया, ए डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा माने मन चित बुद्धि अहंकार, वो तो डिस्चार्ज अहंकार क्या होता है जी? जो ये अवतार में चार्ज करते हैं नेक्स्ट अवतार में डिस्चार्ज होता है, नहीं तो हाउ यू कैन सफर, ये बॉडी तो आपकी है नहीं, संजोग आपके नहीं है, तो हु इज सफरिंग? डिस्चार्ज अहंकार। जो चार्ज किया वो तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है अभी तो, और डिस्चार्ज अहंकार वो डिस्चार्ज बिलीफ के साथ है, डिस्चार्ज बिलीव। हाँ, जैसे एक गरीब को मैंने 5 रुपया दिया तो इसको आनंद आएगा क्योंकि उसकी बिलीफ वो है, वो लेकर आए, संजोग भी वो लेकर आए थ्रू द बॉडी, थ्रू द बॉडी। और एक व्यक्ति BMW में से नीचे उतरता है उनको 5 रुपया देंगे तो इंसल्ट लगता है, दोनों की बिलीफ है ना, तो भवन की बिलीफ कहाँ है, अंदर है, बात तो हिसाब है, मगर एक को यही हिसाब में मान लगता है और एक को यही हिसाब में अपमान लगता है, ये बिलीफ है, भुगतान करने वाली हमारी बिलीफ है, बिलीफ से भुगतान होती है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, हमारे घर के तिजोरी में पैसे पड़े हैं तो हमको आनंद आता है, और कैशियर पैसा गिनते हैं और वो तिजोरी में रखते हैं तो इसको आनंद नहीं आता है, क्यों? बिलीफ नहीं है कि मेरा नहीं है, मैं काउंट तो करता हूँ कि 2 करोड़ पड़े हैं, मगर बिलीफ क्या नहीं है कि मेरा नहीं है, और आपको मालूम है कि 2 लाख घर में पड़े हैं वो किसका है, वो 2 करोड़ संभालते हैं फिर भी बिलीफ नहीं है, मनी तो है, तिजोरी भी है, आपके पास भी तिजोरी है, मगर आपको मालूम है 2 लाख मेरा है और ये 2 करोड़ लोगों का है, मैं तो कैशियर हूँ। और वो तो एट ए टाइम डिस्चार्ज अहंकार भी होता है और
डे टाइम चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भी हो सकते हैं। अभी तो क्या है, मैं इससे अलग शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा होता है जी। और उस समय प्रतिष्ठित डिस्चार्ज हम भी हो सकते हैं एट ए टाइम, वो तो साथ में रहेगा ना, डिस्चार्ज तो होता ही है, डिस्चार्ज तो ऑटो मोड है ही। ओके, कैसे होता है, एक एग्जांपल दे कर। जो भी आज रिलेटिव में आप सफर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज है उनका। अभी तो मुझे दुख हो रहा है, वो भी डिस्चार्ज है। वो तो कुछ क्या है, दर्द होता है, वो तो तब तो लगता है कि ए, वो तो मालूम होता है, ये तो इसको फाइल को होता रहे, वो तो चार्ज कर्म है, वो तो मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसको नहीं होता है, इसको नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का ही होता है, मालिक को होता है। ओ, मालिक को होता है, ओ, दर्द, नहीं समझ रहा है। इसको नहीं होता है, इसके मालिक को होता है, वो तो डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज कहता है मैं शरीर हूँ, तो वही तो भुगतान करेगा, इसको नहीं होता है। आप समझे, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उम्र वाली व्यक्ति है, 85-90 हो गए, वो पथारी में लेटे हुए हैं, और इसको किसी ने पिन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिन लगा दिया, तो क्या होगा, दर्द होता है, दर्द होता है, ठीक है, और दर्द होता है तो फिर इसको दर्द देंगे तो उनके लिए रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, 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 क्यों आता है, क्योंकि दर्द होता है, तो दर्द देने वाले के लिए रिएक्शन होता है, ठीक है। मगर वही व्यक्ति के शरीर में से जब आत्मा निकल गया, फिर पूरा जला दिया, तो भी दर्द नहीं और रिएक्शन भी नहीं, वही बॉडी, यस और नो, यस। तो अभी क्यों फील नहीं होता है, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है, अभी समझ में आया, कौन फील करता है, मेरे बॉडी फील करता होता तो उस समय फील करना चाहिए, जब जला दे तब भी, मगर वो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा, और प्रतिष्ठित आत्मा के पीछे मूल आत्मा है, तो मूल आत्मा निकल गया तो प्रतिष्ठित आत्मा का निकल जाता है, क्योंकि लाइफ क्या हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा तब तक होता है जब तक लाइफ होता है, तो लाइफ कब खत्म हो गया, श्वास बंद हो गया, आत्मा निकल गया, तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या हो गया, एंड हो गया, पिछले अवतार का, और जो अभी जो नया बना है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट बर्थ, वो चार्ज वाला नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा डिस्चार्ज के फॉर्म में, वो इसके आधार से आप सफरिंग करोगे, कोशिश किया था चार्ज और डिस्चार्ज, अहंकार कहो बाबा कहो सब बताया था, मगर एक्सप्लेनेशन जो प्रॉपरली होना चाहिए वो संजोग के बस नहीं हुआ, और फिर बाद में लोग गुमराह होते रहे, और फिर बाद में उसके जाने के बाद कई लोगों ने ऐसा भी बोल दिया कि प्रतिष्ठित आत्मा तो हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं बनते हैं, तो ये सब गड़बड़ हो गया, फिर इतना कंफ्यूजन हो गया, इतना कंफ्यूजन हो गया, फिर लोग भी कंफ्यूज हो गए, फिर किसी के पास किसी का उत्तर नहीं है, न सुनाने वाले के पास है न सुनने वाले के पास है, तो इतना गोल गोल, और गोल होने का मतलब उनका इरादा नहीं था कि मेरे को ऐसा बोलना है, मगर उसके पास साइंटिफिक विजन नहीं था, थियोरेटिकल विजन था, तो इसीलिए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया उन्होंने, उसमें फंस गए। तो हमारे पास जब साइंटिफिक विजन है तो मैं कहूंगा प्रतिष्ठित आत्मा है तभी पुरुषार्थ है, और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है तभी सफरिंग है, और दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, सेपरेट है। तो ये हाइलाइट्स करने की जो बात है, ये हाइलाइट्स हमने ज्यादा किया, ये बात नहीं नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है, क्या है, प्रेजेंटेशन, इससे लोगों को क्लैरिफिकेशन आती है। आज मैं इतने मक्कम से क्यों बोल सकता हूँ, देयर इज नो पजल इन साइंटिफिक विजन, मगर आप थियोरेटिकल बोलेंगे तो फिर पजल होगा, फिर आपके पास उत्तर नहीं होगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा कभी आपको काम का नहीं है, जरूरी नहीं है, वो तो आगे आगे क्या क्या आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरे को बोलना पड़ता है, तो ये आंसर नहीं है, मगर क्या करेंगे जब उत्तर देने के बाद पास उत्तर नहीं होता है तो क्या करेंगे। हालांकि यहाँ कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं कभी टालता नहीं हूँ, आप समझे ना, क्योंकि साइंस में हर प्रश्न का उत्तर है ही, फिर टालने की जरूरत क्या है, प्रश्न आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मगर साइंस तो क्या है, सिद्धांत के ऊपर है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए जो भी बात मैं करूंगा साइंस के आधार पे करूंगा तो वो बात ठोस होगी, फिर आप कहोगे मेरे को समझ में नहीं आती, या मैं मानता नहीं हूँ, या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या तो मैंने सुना नहीं है, वो आप ऐसा बोल सकते हैं, मगर मैं कहूंगा सिद्धांत ये है, आज नहीं तो कल आपको ये सिद्धांत
को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत मेरा नहीं है। ओ तो कैसे मैं शुद्धात्मा वो विजन का हर समय रह गया। शुद्धात्मा भी प्रेजेंट है और कुदरती रचना भी, कुदरत रचना भी, इसमें कोई पास्ट फ्यूचर की बात ही नहीं है, नहीं। जरूरत भी नहीं है, मगर धर्म में जाओगे तो जरूरत है। पास्ट को देखो, इसको मिटाओ, इसको करेक्शन करो, भविष्य के लिए सोचो, पुण्य बनाओ, कुछ अचीव करो, तो ये सब धर्म में तो रहेगा। क्योंकि इसलिए मैंने कहा धर्म रिलेटिव सत्य है, फॉर्मेट रिलेटिव सत्य है, और आध्यात्म विज्ञान वो सनातन सत्य है। दोनों का प्रिंसिपल अलग है। क्या है? अलग है। और दादा भगवान ने हजार बार कहा है कि मेरे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आज्ञा पालन करने के बाद, सत साधन को फॉलो करने के बाद भी विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली अल्टीमेट। ये प्रोसेस क्या है? जहां तक विज्ञान समझाने वाला नहीं मिलता है, या तो विज्ञान हमको समझ में नहीं आता है, वहां तक यू फॉलो द प्रोसीजर, वो गलत नहीं है। मगर अगर विज्ञान को समझाने वाला है और हम समझ सकते हैं, तो विज्ञान को ही समझने की कोशिश करना चाहिए। नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी मालूम हो गए स्वामी जी। वो तो क्या है, सब लोग कहते हैं पास्ट में नहीं रहना है, फ्यूचर में नहीं रहना है, और वर्तमान में अभी तो मालूम हो गए, वर्तमान में एक कुदरत की रचना है बाहर होने का, ओ मैं शुद्धात्मा, वो रह गए तो ओ प्रेजेंट में रहना, वैसा वो तो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटो मोड में ही होता है, वर्तमान में ही रह सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान अपने आप आपको वर्तमान में ही रहता है, भूत भविष्य अपने आप निकल जाता है, अपने आप। साइंस ही ऐसा है कि आपको प्रेजेंस में ही रखेगा। प्रकृति भले भूत भविष्य के लिए सोचेंगी, आपका विजन हमेशा प्रेजेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये प्रकृति वो कुदरती रचना है, प्रकृति के संजोग कुदरती रचना है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ डिस्चार्ज अंतःकरण वो भी मैकेनिकल है, तो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। मगर जो पुरुषार्थ वाला भाग है उसमें आप प्रेजेंट में रहोगे। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में दो ही बात है, ज्ञान में मैं कौन हूँ वो, और दर्शन में ये मन वचन काया सहित पूरी दुनिया कैसे चलती है। तो दोनों वर्तमान में रहते हैं आपको, फिर भूत भविष्य की चिंता है नहीं है, है ही नहीं, और जरूरत भी नहीं है। पुरुषार्थ में नहीं है, उदय में हो सकता है, हो सकता है, इसके उदय में हो सकता है, इसको हम मना नहीं करेंगे, मगर विजन में नहीं होना चाहिए। Now you understand? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही प्रेजेंट में रहना है। ओके, जय सच्चिदानंद। पासला अवतार ने तेमे क्यों सब भगवानी से बरोबर, तो पासलो अवतार आपरा मनुष्य नो रहसी। मनुष्य में होता है तभी तो कर्म होता है, नहीं तो कर्म कहां से बनेंगे, और कोई गति में तो कर्म बनते ही नहीं है। हां, ये हूं ये कह सु कि कोई गति में बीजे वा तो बनता ना थे, बरोबर। मनुष्य में तो पछि आपरा जन्म थाय ने। हां, एम तो जीव अवतार मनुष्य में जाय ने। मनुष्य अवतार माथी कर्म बधे एनु तो फल छे। प्राणी मां पशु मां देव लोक मां नरक लोक मां तो कर्म बनता है। ओके, निगुद नी जे व्यवस्था छे, मनुष्य लोक नी व्यवस्था, पशु नी, स्वर्ग नी, आ बधुं જોતા લાગે કે છેટે કોઈ એવો વિરાટ પુરુષ આવી નીકળશે નહીં પાછો, કે આ આખી વ્યવસ્થા જે છે એનો કોઈ નિર્માણ કરતા હોય કે ઓટોમેટિક જે ચાલી રહ્યું છે એ અત્યારે 99% એ આપની વાત સાંભળતા એ બધા પઝલ તૂટી ગયા છે, છતાં કઈ ખૂણામાં એક કઈક બાકી રહી છે, કઈક એવું કે જે આની વ્યવસ્થાપક કોઈ એવો વ્યક્તિ આવીને નીકળે વિરાટ પુરુષ સ્વરૂપે, અથવા તો આ વ્યવસ્થાનો હું આ કરવા કરતા હું છું, આ સમજ છે, જો તું જીવ તો કરતા હારી, જો તું જીવ તો આ બધી વાત જેમ જેમ ખબર છે, પણ કઈક એક ખૂણામાં કઈક આ પઝલ ઉભું રહે છે કે જેનું શું કહેવાય અંદર સમાધાન થતું નથી જે, એટલે આ એ પૂરી સૃષ્ટિ જો હે, હા, ઓ સૃષ્ટિ સ્વયંભુ બની હે જી, ઓર સ્વયંભુ ચલતી હે, સ્વયંભુ મતલબ કુદરતી કાનૂન સે, હા, ઉસકા કંટ્રોલર કોઈ ન વ્યક્તિ હે, ન કોઈ દેવી દેવતા હે, ઓર ન કોઈ સુપર પાવર ગોડ હે જી, ये स्वयंभू चलती है। क्या बताया? स्वयंभू चलती है, मगर आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और उसी लिए बता दिया कि ये भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान दुनिया चलाते हैं और वो भगवान सर्वशक्तिमान है जी, ऐसा बता दिया, क्योंकि आम लोगों के दिमाग से वो ऊपर की बात थी, तो इसीलिए टाइटल बना दिया, तो समझने में लोगों को आसान हो गया
फिर बाद में उसको लोग फॉलो करने लगे जी, तो फिर बाद में तो वो परंपरा बन गई। अभी सोचने की जरूरत नहीं, किसने बनाया, भगवान ने बनाया बस। हाँ, तो ये इजी हो गया, आप समझे ना, मगर फैक्ट वो नहीं है। भगवान ने अगर बनाया है तो फिर वो प्रश्न आता है, भगवान को किसने बनाया जी, सही है। फिर अगर उसके भी भगवान है तो फिर इसको किसने बनाया। हाँ, तो इसमें कोई एंड होगा नहीं, नहीं, तो वो भी फिर पुनर्जन्म वाली बात हो जाएगी जी। इसलिए भगवान नहीं है, वो स्वयं वो है जी। और जो जो चीज इंसान को समझ में नहीं आई, वहां धर्म गुरुओं ने रूपक बना दिया। रूपक समझते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक पाप नहीं समझ में आई तो उसको दर्शन रखना पड़ेगा हिसाब से बताया। तो यहाँ रूपक रखा जी के दुनिया चलाने वाला, फिर ये रूपक रखा कि भाई हमको जब मौत आती है तो वो कौन लेने के लिए आता है, यमराज आता है वगैरह वगैरह। हाँ, तो यमराज भी जैसा कोई चीज नहीं है, आप समझे ना। मगर लोगों को समझ में नहीं आया तो भय डर बताने के लिए बताया, यमराज आएगा और मार मार के ले जाएगा, तो डर बताया जी। वो डर का मतलब था पापों से बचो बचो। तो मगर वो क्या, फिर अज्ञान पक्का हो गया जी। लोगों ने भी मान लिया कि ऐसा है ही, सही, वास्तव में यमराज जैसा कोई चीज नहीं है, कोई क्रिएचर्स भी नहीं है, मगर नियम राज था। क्या था? नियम राज। मन नियम राज में से नी निकल गया तो यमराज हो गया। समझिए बात पूरी आपकी समझ में आ रही है दादा, कोई बापो रचना नहीं, वो भी हजारों वक्त सांभळी छे जी, बराबर। और ऑटोमेटिक जे सिस्टम जे छे ना, ये जे पजल छे ना के स्वयंभू, स्वयंभू એનો મતલબ આમ ડીપ માં જોઈએ તો શું થાય, સ્વયંભૂ એટલે ઓટોમેટિક, એટલે એનો ઓટોમેટિક એટલે કેવી રીતે સમજવું, ઓટોમેટિક સ્વયંભૂ નો મતલબ શું સમજવું, સ્વયંભૂ કા મતલબ અપને આપ, ક્યા બતાયા, અપને આપ, અપને આપ બની હે ઓર અપને આપ ચલતી હે, જેસે દિન રાત હોતા હે કોણ મેનેજ કરતા હે। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये आपकी बॉडी, आपकी बॉडी में आप श्वास लेते हैं, ठीक है, और श्वास में से वो श्वास ब्लड में जाता है तो प्राणवायु से ताकत बनती है। तो ये ब्लड और प्राणवायु खींचने का कौन करता है, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट कौन करता है, तो ब्लड बना के पूरी पूरी बॉडी के हर पार्ट को भेजना वो कौन करता है, हम करते हैं। स्वयंभू कही सकता है कि ऑटोमेटिक चाली रही है, ये बॉडी भी हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, मेरी बोलते हैं मगर मैनेज नहीं कर सकते हैं जी। आपने कोई शंका नहीं ना कोई जगह, आपनो पाकू शन थी भरोसे अमारो पाकू थाय, स्वयंभू नो मतलब जे छे आ बात नो जे बेसिक जे मूल पायो वच्चे नी वस्तु उभी थई जे अहंकार स्वरूपे प्रकृति पुरुष जे उभो थयो छे ए बिलीफ स्वरूपे छे ने आपो, એ બિલીફ સ્વરૂપ જે છે એ જ આ પાકીને ગાઢ થઈ, હવે એ પાકી ગાઢ થઈને ભાગાકાર થતા થતા જેમ જેમ આપણને ખબર પડે, તો જેમ જેમ ખબર પડવી એટલે શું, આ વસ્તુનો ભાગાકાર થયો સમજમાં આવ્યો, અનુભવમાં આવ્યો જે અનુભવમાં આવે એ જ બરાબર કહી શકાય। એટલે જ્ઞાની પુરુષ એ કહેના ચાહતે હે કે યે દુનિયા સિર્ફ સ્વયંભૂ હે, ઇસકા રચયિતા કોઈ હે નહીં, ઓર કોઈ વ્યક્તિ નહીં હે તો કોઈ રિસ્પોન્સિબલ ભી નહીં હે, નહીં હે, ये स्वयंभू है। मगर स्वयंभू दुनिया के अंदर जब इंसान पैदा होता है तो वो ये दुनिया के अंदर जो जो चीज उसको दिखती है मिलती है व्यक्ति के रूप में साधन के रूप में, वो कहता है मेरी है मेरी है, आप समझे, और मैंने किया आपने किया, ये जो अज्ञानता बनी हुई है। तो कुदरत ने कहा भी न तो तुम्हारा कुछ था न तुम्हारा कुछ है और न तुम्हारे पास कुछ रहेगा जी, ये सिर्फ कुदरत की माया है। क्या है? माया। और माया क्यों मिली आपको? क्योंकि आपने कर्मों को चार्ज किया था, इसलिए डिस्चार्ज के रूप में आपको ये संजोग मिला जी। अगर आपके अंदर अज्ञान निकल जाएगा संजोग भी नहीं बनेंगे जी। तो कुदरत कुदरत समर्थ है मगर कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है जी। हाँ बराबर, वो कानून से काम करती है, अगर आप कॉज नहीं डालोगे तो वो इफेक्ट नहीं देगी, अगर आप कोई भी कर्म नहीं करोगे तो जन्म मर नहीं देगी। इसमें मतलब कहने का मतलब कुदरत भी कानून से चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती, आपने चालवा देती नहीं चलते नहीं। तो ये सब बातें जब समझोगे तो मालूम होगा कि आखिर ये दुनिया में आत्मा के अलावा कोई भी चीज समर्थ होते हुए भी स्वतंत्र नहीं नहीं है।
देवी देवता भी समर्थ है मगर स्वतंत्र नहीं है। अब कोई भी एनी पोस्ट वाला व्यक्ति, चाहे तीर्थंकर कहो, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती, जो भी कहो, पूरे कलयुग केंद्र ज्ञानी पुरुष कहो, अनुभवी ज्ञानी कहो, या कोई और धर्म के समर्थ पुरुष का जो टाइटल है वो कहो, सभी के पास शायद सामर्थ्य हो सकता है जी, मगर स्वतंत्रता किसी के पास नहीं। ये कुदरत का कानून है, लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए ज्ञानी कहते किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या बताया? डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी के पास भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि न वो देने वाला है न वो लेने वाला है, आप समझे ना। हाँ। और जो देता लेता है वो सिर्फ कुदरत के कानून का हिसाब मात्र है, इसमें लेने देने वाले किसी के पास फ्रीडम है नहीं। तो दुनिया में ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि भय और भीख की जरूरत नहीं, नहीं है। नहीं भरोसा बेस्ट स्वामी जी, आपने जोता आज आपनी बात, आपनो जो बात नो बळ कहेवाय ने आपणी गुजराती भाषामां, कि जो आ ज्ञान प्रगट थयुं तो जे वातनो बळ होय, नकर होय नहीं, ए वातनो धक्को, आप वात करो अमारे आवरण तूटे, आ वात समजमां आवे छे। ઘણી બધી આ 400 મહિના વર્ષ દિવસથી આપના સંગમાં છું, એ ઘણી બધી વાત સમજમાં આવી છે, પણ તો એક ખૂણામાં મેં જે કીધું ને, જે છતાં એનું સમાધાન થઈ છે, મને આશા છે એવી કે આપના સંગમાં આ વાત કરતા કરતા સમજતા આપ જેવો થઈને ઉભો રહો, સમજ નહીં છે। કઈ લોક કહેતે કે 15 સાલ પહેલે કા ભી આપકા સત્સંગ અભી ભી YouTube મે હે, 2007-8-9 કા સત્સંગ કી રેકોર્ડિંગ હે, વો YouTube મે હી હે, વો સુનોંગે રાજ સુનોંગે, સિદ્ધાર્થ મે કોઈ ફર્ક નહીં હે। નહીં ના સાચું છે સ્વામી, सिद्धांत तो सिद्धांत जगत एक्सेप्ट करे या ना करे क्या फर्क होगा जी? मैं जगत को खुश करने के लिए नहीं आया। हाँ। मैं जगत को सनातन सत्य बताने के लिए आया जी। खुश करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ। इस दुनिया के अंदर। हाँ। जो अपना अपना काम निकाल लेता है। हाँ। आप समझे ना। हाँ। स्वार्थ का काम जी। मैं इस दुनिया में कुछ बांटने के लिए आया हूँ, बेचने के लिए नहीं आया। आप समझे ना, कुदरत के पास से मिली हुई संपत्ति जो है व्यवहार जीवन की, वो भी इनफ है, और ज्ञान अमूल्य है, अढ़क है, इनफाइनाइट है, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो बांटने के लिए आया हूँ, बेचने, इसलिए मैं सत्संग में बहुत बार कह चुका हूँ, मैं मेरा अनुभव को शेयर करने के लिए आया हूँ, सेल करने के लिए नहीं आया। ये सब बातें मैंने कई बार कह चुका हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये बात के अंदर कॉन्फिडेंस है। क्या है जी? कॉन्फिडेंस। हाँ। और ये पूरी बात जो मैं बता रहा हूँ, हर बात के अंदर एक मर्म होता है जी। मर्म, जैसे मैंने बोला कि मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे जबान में ये नहीं होगा कि तुम सिमंदर स्वामी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, भगवान के रूप में, या तो गुरु के रूप में स्वामीनारायण को, प्रमुख स्वामी को मानते हो, दादा भगवान को मानते हो, मुरारी बाबू को मानते हो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप ये मंदिर में जाते सब्जेक्ट नहीं है, ये मंत्र बोलते वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप ये किताब पढ़ते वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप वर्तमान के गुरु शिष्य को मानते वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप ये रिचुअल को फॉलो करते वो भी मेरा विषय नहीं है, और आप ये संस्था को फॉलो करते वो भी मेरा विषय नहीं। यानी जो फॉर्मेट, मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ, तो मेरी भाषा में ये फॉर्मेट की बात आएंगे ही नहीं। मगर कोई प्रश्न करेगा तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। हाँ। तो उत्तर के आधार से निकलेगी, मेरी तरफ से वो निकलेगी नहीं, क्योंकि मेरा सब देख नहीं है। हाँ। मगर प्रश्न करोगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना, आप समझे। हाँ, हाँ। नहीं यू घनी बार कैपेसिटी मुझे लागे आटलू बधु विज्ञान आ बधी वातो मां નથી કે તો ઉંદરું ખુશ થાય હાથી ન થાય, એટલે ઘણી વાર એવું ભય લાગે કે ચાલો આપણું શું થાય, બધી બધી ખુશ થઈ શકીએ એમ, પણ હાથી તો કેમ થવું, એટલે આ રે, પણ આપને સાંભળે પછી ઘણો બધું તૂટી ગયો છે। જય સચિદાનંદ। જય સચિદાનંદ। મને હવે આ સનાતન સત્યને રિલેટેડ છે કે નહીં ખબર નથી, પણ મને એમ થાય કે આ છૂટાપણીની જાગૃતિ જે રાખી શકીએ કે રે, કે એ ઉદયકાળમાં નહીં ને? નહીં, એ તો પુરુષાર્થ છે, પુરુષાર્થ ને। ઓકે, તો ઘણી વાર એમ થાય કે આપણે જયારે એમ એમ સાંભળે છે કે જેમ જીવ લે, જીવને જન્મ અને મરણ એ બેઉ એમ કે બહુ પેઇનફુલ હોય, એવું હશે મરણ બી પેઇનફુલ જ હશે બધાને, કે કર્મનો હિસાબ
એવું છે, જન્મ ઓર મરણ દોનો મે સે એક ભી પેનફુલ નહીં હૈ, મગર પેનફુલ હો સકતા હૈ જીતની અજ્ઞાનતા ઉસ સમય હોતી હૈ વો. ઓકે, તો હવે આપણે છૂટાપણા, અપને કો અગર છૂટાપણા કી જાગૃતિ જ્યાદા રહી તો લાઈક મુજે એસા લગતા હૈ કી મેરા એન્ડ હો તો મે પૂરી અવેરનેસ કે સાથ જાઉં તો વો મેરી ઈચ્છા કામ કરેગી. वो तो आपका पुरुषार्थ है तो अपने आप रिजल्ट आएगा नेक्स्ट लास्ट टाइम में. अच्छा, लेकिन जितना, जो जितना आपकी पुरुषार्थ में मैच्योरिटी होगी वो मैच्योरिटी ही आएगी सामने. हाँ, अच्छा, आप समझे मैच्योरिटी. ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम आप राम राम बोलो, कोई मंत्र बोलो तो फिर आपकी गति अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. नहीं, गति का नहीं, मुझे अवेयरनेस के जागृति शायद रहे कि हाँ अभी. मगर वो जागृति मैं क्या कहता हूँ, जागृति भी क्यूमुलेटिव होके लास्ट में आती है. क्यूमुलेटिव, आप समझते हैं, पूरी लाइफ के, पूरी लाइफ में आपने जागृति की जो प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट आएगा. तो मुझे अगर लास्ट टाइम आप कोई स्पेशल नहीं कर सकते. नहीं, लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हाँ, तो पता नहीं क्या हालत होगी. लेकिन अगर मुझे ऐसा इतना ध्यान रखो कि लास्ट टाइम में जो हालत होगी वो उसकी होगी, हमारी नहीं होगी. हाँ, वही वही बस, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. नहीं, जो कुछ भी पाया है वो उन्होंने पाया है, और जो कुछ भी चला जाएगा वो उसका चला जाएगा. मेरा न पाया है न कुछ जाएगा. हाँ, ये लक्ष्य में रखना है. तो वो लास्ट में रहे, जितना अज्ञान उस समय ज्यादा रहेगा इतना पेन ज्यादा रहेगा. हाँ, एक से एक चीज हमने मालिक की भाव से प्राप्त किया है. ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. और जब अंतिम समय आएगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा. सबका पेन होगा ही, शायद भौतिक चीज छोड़ने का तो पेन नहीं होगा, लेकिन कहाँ जाना है मालिक की है तो पेन होगा ना. कहाँ जाना है वो तो मालूम ही नहीं है आपको. हाँ, इसीलिए वो डर ना रहे तो उसके लिए अभी नहीं. मगर कहाँ जाना है वो तो आपके हाथ में है भी नहीं. नहीं है भी नहीं, लेकिन मगर डर किसका होता है इंसान को, जो मेरा 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 करके पाया है और पूरी लाइफ में मेरा करके मैंने उसको सजाया है, उसको रखा है, और वो छोड़ने का होता है तो इसको लगता है कि पेन होता है, क्योंकि छोड़ना है. मेरा है और वो छोड़ना है. अभी जो परिस्थिति आई नहीं है तो उनके लिए क्या सोचेंगे, आई नहीं है वो तो. एक्चुअली मुझे वो समझना है कि आज से मैं क्या करूं कि वो टाइम शायद भौतिक में तो मुझे लगता है मेरा वो नहीं होगा पेन, मुझे जैसा लगता है कि इतना शायद तो इतना अटैचमेंट नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं सचमुच आएगा तब क्या होगा, आई डोंट नो. बट ऐसा अभी मैं क्या करूं कि मुझे पूरी अवेयरनेस के साथ जाना है, ऐसा मुझे चाहिए. जितना हो सके इतना मन वचन काया उसकी अवस्थाओं से सेपरेट रहने का प्रयोग करते रहो. अच्छा, मतलब वही जुदापना की जागृति, वही तो काम में आएगी. हाँ, वैसे भी जुदा तो होने का ही है, वो तो है. हाँ, बस पर फिर जागृति रहेगी उस समय भी तो. हाँ, कोई परिस्थिति में फर्क नहीं आएगा. तो दूसरा और कुछ भी कुछ है नहीं कि कुछ और, बस वही बस जागृति. हाँ, और क्या दूसरा हो सकता है बताओ मेरे को. नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है. शायद ऐसा प्रे करूं मेरी शुद्ध आत्मा से तो काम कर सकती है. तो प्रे करने की सेपरेट रहो वो सबसे बड़ी प्रे है, बाकी जो प्रे है वो सेकेंडरी है. तो यही करना रहो, वो फाइनल है, नहीं रह सकते तो फिर प्रे करना पड़ता है. अच्छा, उनको लक्ष्य में रहने के लिए मांगना पड़ता है, वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड है. सेपरेट रह सकते तो डिसबैलेंस को. जय सच्चिदानंद. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જેટલું હું સમજ્યો છું સાયન્સ, અને એમાં મને કી પોઈન્ટ, મેઇન કી પોઈન્ટ એ લાગે છે કે ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, બીજી કોઈ સત્તા તો છે. હવે એની ફાઇન સ્લાઈસ વધારે ફાઇન, એટલે હજુ બી થોડું કન્ફ્યુઝિંગ થોડું રહે છે કે ક્યાં, એટલે મારી અવેરનેસ અમારી એ
ડિક્લેર ક્યાં હોવી જોઈએ, અને જાગૃતિ વધુ વધુ સી બાબતમાં. એટલે અમે કંઈ પણ વર્ક કરતા હોઈએ તો એમાં જે પોતાનું પોતાનું ભાન ભૂલી અને જે પણ કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, એટલે સ્વરૂપમાં રહ્યા વગર જે પણ કરીએ છીએ તે અને ભાવથી જે પણ કર્યું હોય તે એક ચાર્જનું મને સમજ પડી છે ત્યાં સુધીમાં. તો ત્યાં અમારે એવી શું અવેરનેસ, એવી શું સ્લાઇસ ભાવથી કર્મ બંધાય છે ખ્યાલ આવી ગયું, પણ હજુ બી થોડી ફાઇન સ્લાઇસ જોઈએ છે. ऐसा है कि दिन ब दिन आपको ये जागृति बढ़ाना है, यही आप कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अध्यात्म के मार्ग में अवेयरनेस, और वो भी ओनली हु एम आई और ये दुनिया कौन चला है, उसकी अवेयरनेस जितनी भी हो सके मैक्सिमम सर्कमस्टेंसेस में, वही आपको प्रयोग के रूप में ये विजन आपका डेवलप करना है और कुछ नहीं करना है. एक साइंस में सिंपल प्रिंसिपल है कि जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा था भी नहीं और तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं, इनको जितना तुम्हारा मानोगे वही आपको इफेक्ट देता है. साइंस ये नहीं कहता है त्याग कर, त्याग करना वो साइंस का काम नहीं है, ग्रहण करना वो भी साइंस का काम नहीं है. साइंस कहता है तुम्हारी अज्ञानता निकाल दो, और आना जाना वो तो कुदरती रचना है, मगर आपके अंदर जो बिलीफ है आए तब मेरा और गया तब मेरा चला गया, ये बिलीफ को निकाल दो, बाकी तो कुदरती रचना है. मगर ये बिलीफ है तब तक इफेक्ट है, ये रॉन्ग बिलीफ है तब तक, तो रॉन्ग बिलीफ को निकालना है. संजोग तो आते जाते रहेंगे, वो हमारे हाथ में है भी नहीं. तो यह दृष्टि बदलने का प्रयोग है सिंपल. क्या बताया? कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. क्या है? और यही प्रैक्टिस आपको केवल दर्शन तक ले जाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं करना है. ये जो चमत्कार की भाषा होती है, अट्रैक्शन की लैंग्वेज होती है, कुछ पाने की भाषा होती है, ये सब भाषा लो लेवल का है, रिलेटिव सत्य का है. क्या है? वो सनातन सत्य नहीं है. जो भी पाने की बात करता है कोई भी एंगल से, ये सब रिलेटिव सत्य है. फंडामेंटल ही कॉन्ट्राडिक्शन है फंडामेंटल. जब आपको एक आध्यात्मिक बातें समझ में आ जाती है कि मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं, चेतन भी हूं अविनाशी भी हूं और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं, फिर कुछ पाना वो सब्जेक्ट हो सकता है. और फिर कोई भी एंगल से कोई कहेगा ये पाओगे तो ये होगा, ये पाओगे तो ये होगा, समझ लेना ये सब रिलेटिव सत्य है. एंगल किसी कोई भी हो, मगर क्या है? रिलेटिव सत्य. तो रिलेटिव सत्य है, इसको दृष्टि में से मिटाना है. क्या करना है? हिसाब से हिसाब को नहीं मिटाना है, रिलेटिव व्यू पॉइंट को मिटाना है. समझ में आया? तो ये शुं प्रोसेस थाई छे जे परमाणुओनो जे चार्ज परमाणुओनो ये शुं प्रोसेस थाई छे एमां जे? उसके बाद ही तो प्रोसेस होता है राग द्वेष का, उसके बाद ही कोट लगता है. हाँ, एक कोट क्या, एक कोट वाला परमाणु क्या होई? अंदर स्टोरेज थाया करे छे, यानी उसको कहते हैं कॉजल बॉडी. कॉजल बॉडी, एक कॉज को कॉज कहते हैं कर्म, और बंच ऑफ कॉज को कहते हैं कॉजल बॉडी. इलेक्ट्रिक बॉडी नहीं, कॉजल, कॉजल बॉडी. और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत इफेक्ट बॉडी देती है, चाहे मनुष्य का, एनिमल का, देवी देवता का या नरगति का, वो आपके कॉज के ऊपर देती है, आपकी मर्जी के ऊपर नहीं. कॉजल बॉडी ने आत्मा मेक फॉरवर्ड थी, कॉजल बॉडी और तो कॉजल बॉडी के अंदर ही डिस्चार्ज अंतस्करण है, कॉजल बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट है. यू अंडरस्टैंड? ओके ओके. तो पूरा जो डिस्चार्ज अंतस्करण है वो भी कॉजल बॉडी में है, वो डेवलपमेंट भी
कॉजल बॉडी में, ये पैकेज के अंदर है। तो ये पैकेज पूरा रिजल्ट के रूप में आता है। और बॉडी कुदरत देती है, संजोग कुदरत देता है, हवा पानी खोरा कुदरत देता है, हर प्रकार की परिस्थितियां, व्यक्ति साधन संपत्ति कौन देते, कुदरत देते हैं। और ले भी कौन लेते हैं, कुदरत। लास्ट में शरीर भी ले लेते हैं, क्योंकि आपका है ही नहीं, था भी नहीं और है भी नहीं, आप मानते हैं मेरा है। आप समझे, यही तो भ्रांति है। कॉजल बॉडी का फॉर्म है भाई, कोई फॉर्म है नहीं, क्यों सो फॉर्म है। कॉजल बॉडी वो बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, वो केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं और ज्ञानी उसको जान सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। आत्मा जितना सूक्ष्म, आत्मा जितना तो सूक्ष्म नहीं होता है। आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्मता सूक्ष्म है, और ये जो कर्म है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो आत्मा और कर्म दोनों अलग चीज है, क्योंकि कर्म परमाणु से बना हुआ है, आत्मा परमाणु से नहीं बना हुआ। मगर मैंने कहा ना कि ज्ञानी भी देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कर्म। केवल ज्ञानी देख सकता है कि आप अभी कौन सा कर्म चार्ज करते हैं, या तो कौन सा कर्म चार्ज किया, या तो कौन से कर्म का ये फल भुगतान करते हैं। सब कुछ केवल ज्ञानी को दिखता है, केवल ज्ञानी को दिखता है, ज्ञानी को नहीं दिखता है। ज्ञानी समझ सकते हैं, क्या बताया, समझ सकते, देख नहीं सकते। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कौन है आप? प्रार्थना करवाते हैं जब आप 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलर उसमें वो नहीं आ जाते जो बाद में फिर पर्टिकुलर बोलते हैं, तो वो 33 कोटि में आ ही गए, तो वापस अब्बा महाकाली मालिक। वो तो ऐसा है कि भी देखो, मैं पूरे फैमिली को नमस्कार करता हूँ प्रसंग में कहूंगी, फिर भी पर्टिकुलर तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता ये व्यवहार है, इसमें कोई आध्यात्म की बात नहीं, तो व्यवहार है ये। मैं जो भी बुलाता हूँ वो रिलेटिव सत्य है, यूनिवर्सल टू थोड़ा है, सब रिलेटिव सत्य है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है। भावना है, रिलेटिव सत्य की अच्छी भावना है, मगर ये सनातन सत्य नहीं है। जो भी मेरी प्रार्थना में बुलाता हूँ सब रिलेटिव सत्य है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। मैं बुलाता हूँ वही सब बोलेंगे, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, मगर ऐसा सबकी अपनी अपनी, और अपना प्रेजेंटेशन के पीछे अपना व्यू पॉइंट भी होता है, क्या होता है, दैट्स इट। मगर वो रिलेटिव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, ऐसे तीन है, मतलब तीन चार जो भी है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर उनका सिग्निफिकेंस है तो वो जानना चाह रहे हैं। सिग्निफिकेंट रिलेटिव सत्य में है कि सबसे पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, तो सबको तो मालूम नहीं है, मगर हम ग्रॉस करते हैं, ग्रॉस समझते हैं। फिर बाद में पर्टिकुलर क्या करते हैं कि वितराग शासन देवी देवता, मतलब जो मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होता है, और निष्पक्षपाती जो संसार के लिए सहायक होता है, और बाद में हम जहाँ बैठे हैं वो हर जगह पे 10 जगह होती हैं। कितनी? 10 जगह, 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं के हर जगह पे क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्र के दिशाओं के दिक्पाल, क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं। तो नहीं मालूम हमको, मगर हम भावना से उसको नमस्कार करते हैं। कहीं भी जाओगे तो 10 दिशाओं तो होगी, कोई भी जगह जाओगे तो इसको नमस्कार करते हैं, एक क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को। और बाद में कहते सभी इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, रियल का मतलब होता है आत्म स्वरूप को नमस्कार करते हैं। बस ये हमारी प्रार्थना कहो, भावना कहो, ये पद्मावती अम्बा। और पद्मावती अम्बा पद्मावती को करते हैं और चक्रेश्वरी करते हैं, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, वो वितराग शासन देता है। और अम्बे माता भद्रकाली माता वो प्रकृति के देवी देवता है, तो वो मन वचन काया से जुड़ी हुई बात है, ऐसा है। सबके पीछे रिलेटिव सत्य का एक आशय होता है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, हमने बोला यस। जय सच्चिदानंद। एक नानो प्रश्न, आत्मानी सामायिक यथार्थ समझाओ, आत्मानी सामायिक
आत्मा ने सामयिक का मतलब होता है हर समय हर अवस्था में मन वचन काया की अवस्था में मैं कौन हूँ वो लक्ष्य में रखना वो आत्मा की सामयिक और आत्मा के गुणों की सामयिक का मतलब होता है उनकी क्वालिटी क्या है वो लक्ष्य में रखना वो आत्मा के गुणों की सामयिक है। हमें कौन सी करनी चाहिए? गुणों की करना अच्छी बात है, आत्मा के लक्ष्य में रख के क्या करोगे? मैं आत्मा हूँ तो फिर मैकेनिकल हो जाएगा, मगर गुण होता है तो प्रैक्टिकल हो जाएगा कि ये विनाशी है तो मैं अविनाशी हूँ, इनके पास लिमिटेड ज्ञान है तो मेरे पास अनज्ञान है, उनके पास लिमिटेड शक्ति है तो मेरे पास अनंत शक्ति है, तो वो कुछ बेनिफिट होगा, सिर्फ आत्मा शब्द वो बेनिफिट नहीं करेगा। और इसीलिए उसके क्वालिटी के आधार से आप आगे बढ़ोगे, गुणों की भजना वो अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। मन એટલે શરીર માં કોઈ પણ જાતની પીડા આવે તો એ સામે તરત એટેક થઈ જાય, એટલે કે સમજો દખંડવા આવે છે, દુખે છે, કઈ પણ છે, તેનું તરત આપણે રિએક્શન કરી જ નાખીએ છીએ કે પણ તો એ જે આપણે કરીએ છીએ તો એ ટાઈમે તો આપણું એ ચાર્જ થઈ જાય, એટલે જેમ કે વિપશનામાં કહેવાય છે કે કરતા ભૂખતા એમ, કે તમે એનું રિએક્શન કર્યું તો એ ભૂખતા થઈ ગયા, તો એ રીતે આપણે ભૂખતામાં થવાય છે ને, તો એ ચાર્જ થાય પાછું કરતા ભોગતા, વો ચાર્જિંગ નહીં હૈ, કરતા ભોગતા કી જો દ્રષ્ટિ હૈ વો ચાર્જિંગ હૈ, કરતા ભોગતા કા જો એક્શન રિએક્શન હૈ વો તો ડિસ્ચાર્જ હૈ, એક્શન ભી ઓર રિએક્શન ભી, મગર કરતા ભોગતા પદ કી જો દ્રષ્ટિ હૈ હા વો ચાર્જિંગ હૈ। નહીં તો જબ ભી અપના એટેક એટલે જ્યારે પણ આપણો એટેક થાય તો મને ખંજવાળ એવું સામાન્ય થી ભી મનમાં ભાવ થઈ જાય અને આપણે એનો એટેક કરી લઈએ છીએ તો એ કરતા ભોગતા થયા, એટલે આપણે સમજો સામાન્યથી મને દુખે છે મને, એટલે આપણું સામાન્યથી ભાવ તો આવી જ જાય અને આપણે તરત એટેક કરીને પૂરું કરીએ તો એ એ ટાઈમ આપણને સારું પણ લાગે, તો એના કરતા ભોગતા તો થાય આપણે, તો એ ચાર્જ થાય ખરું આપણું? કરતા ભોગતા જો હોંગે ઉસકે લિયે તો આપ જિમ્મેદાર હોંગે, કરતા ભોગતા હોતે હૈ દ્રષ્ટિ મેં તો કરતા ભોગતા ઉદય મેં હોંગે ઉસકે લિયે રિસ્પોન્સિબલ નહીં હો। उदय में कंपलसरी है, क्या है उदय? हाँ, उदय मतलब उसके आप मालिक बन गए विथ बिलीफ देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको क्योंकि वो विपश्यना का आप लेकर आए हैं ना, तो थोड़ा तकलीफ होगा समझने में। वो कहता है वो देखते रहो, अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, वो भी एक प्रयोग है एक्सपेरिमेंट है, मगर उसमें क्या होता है ज्यादातर लोगों को प्रकृति देखते 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 फिर सबकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग लवारी करते हैं, तो कई लोगों को मानसिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है क्योंकि तो अभ्यास नहीं है ना, क्या अभ्यास तो ये सबके कैपेसिटी की बात नहीं है, मगर जो लोग कर सकते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, ये रॉन्ग बात नहीं है। અને આપે કહ્યું ને કે આપણે આત્માનો અનુભવ તો છેલ્લા અવતારમાં જ થાય, હા, તો હા જ્યારે આપણું સમજો સેપરેશન છે અને પરિસ્થિતિ આવી છે તો તે સમયે હું અલગ રહું છું, મારું અજ્ઞાનથી અજ્ઞાન મારું નીકળે છે, તો તે સમયે જે શાંતિનો અનુભવ થાય કે જે કઈ મને સફોકેશન બંધ થાય તો એ મને અનુભવ ના કહેવાય? સેપરેશન કા અનુભવ? હા, પણ એ અનુભવ આત્માને થયો ના કહેવાય? સેપરેશન કા અનુભવ? मुक्त मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहने का अनुभव अलग है और आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव होगा तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, आत्मा नो अनुभव जाते तो पूरे पूरे थसे जा रहे थे तो फिर आ तो अपने जिम जिम रॉन्ग बिलीफ टूटती जाए और शांति के जे का अपने मरे वो अज्ञान निकाल, अज्ञान निकलने का अनुभव है, आत्मा का अनुभव नहीं, अज्ञान निकल रहा है उसका अनुभव है, इसको कहते हैं केवल दर्शन। તો પછી એમ કે છે ને કે દશાઓ પ્રાપ્ત થાય, તો દશાઓ પ્રાપ્ત થાય તો એને અનુભવ જ્ઞાન જ આવે છે આત્મા? કેવળ દર્શન કી દશા હોતી હૈ, તો કેવળ દર્શન તો એ અનુભવ થયો ને એનો, એટલે જે કે અજ્ઞાન થયું મારું, કેવળ દર્શન વો આત્મા કા અનુભવ નહીં હૈ, તો દશાઓ જે પ્રાપ્ત કરે એ શું? કેવળ દર્શન ની છે। અચ્છા, એમાં જ આવે છે, એ સ્ટેજ આવે છે એમાં, ઓર જૈન ધર્મ કે આધાર સે 12 ગુંઠાણા તક કેવળ દર્શન કી બાત હૈ ઓર વો સ્ટેપ હૈ ડેવલપમેન્ટ કા સ્ટેપ સ્ટેપ હૈ, ઠીક હૈ, तो 12 गुंठाना तक तो स्टेप है, जब 13वां आ जाता है तो फिर केवल ज्ञान है, तो फिर पुरुषार्थ नहीं है, हां पछि पुरुषार्थ तो ये समझ में। और 14वां निर्वाण है, तो 12वां तक है वो डेवलपमेंट है, वो दर्शन का डेवलपमेंट है, ज्ञान लक्ष्य में रखने का और दर्शन का डेवलपमेंट, दर्शन का डेवलपमेंट का मतलब अज्ञान निकलना, रिलेटिव सत्य को मिटाना और सनातन सत्य को, सनातन सत्य का लक्ष्य
पक्का करना, मैं शुद्धात्मा हूँ वो पक्का करना, और रिलेटिव सत्य का जो अज्ञान है वो धीरे धीरे डिमोलिश करने का, ठीक है। और पूरा निकल गया तो वो केवल दर्शन है। और आपे कहू ने भाई कहू के साप एमने देखो अने एमने ऊंघ हराम थई गई, हवे एने काढवाना पुरुषार्थ करे जे काई करसे तो एला उदय मां आयु छे, तो ई करता पछी ते समय तो करसे। हा तो पछी एने चार थसे ई पाछो एनु, એટલે શું છે એવી ફરજ થઈ જાય ને કે એના પરિવારને બચાવવો છે કે જે કીધું કરતા પદ સે કરતે હે એસા નહીં હે નહીં ને ઇસકો કરના પડતા હે કરતા પદ વો તો દ્રષ્ટિ કી બાત હો ગઈ હા તો એ સમય છે કરતા બિના કરતા પદ ભી પૂરા લાઈફ જીતે હે કેવલ જ્ઞાની કહો તીર્થંકર કહો બિના કરતા પદ જીતે હે બિના માલિક કી પદ જીતે હે ઓર ઇસીલિયે ક્રિયા હે ઇસીલિયે કરતા પદ હે વો જરૂરી નહીં હે મગર અજ્ઞાનતા હે વહાં તક તો કરતા પદ હે નહીં પણ એ ટાઈમે જે સાપને દૂર કરવા એ પુરુષાર્થ કરશે અને અલગ કરીને હા લા એ સાપને દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરશે, પોતાના પરિવારને બચાવવા પુરુષાર્થ કરશે, તો એ પુરુષાર્થ એમાં છે એને જે પ્રયત્ન કરશે એ શેમાં જશે? ઉદયકર્મમાં જશે। અચ્છા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ હર એક જીવ કે અંદર વિરાજમાન હૈ, આપ હર એક જીવ કે અંદર વિરાજમાન હૈ, વૈસે મુજ મે ભી વિરાજમાન હૈ, વૈસે મુજ મે ભી વિરાજમાન હૈ, આપકા સ્વરૂપ, આપકા સ્વરૂપ, વોહી મેરા સ્વરૂપ હૈ, વોહી મેરા સ્વરૂપ હૈ, મેરા સ્વરૂપ, મેરા સ્વરૂપ, શુદ્ધ આત્મા હૈ, શુદ્ધ આત્મા હૈ, હે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को, आपके समक्ष, आपके समक्ष, जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, उनके लिए, उनके लिए, हृदय से, हृदय से, क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि, हम में से भेद भाव निकल जाए, हम में से भेद भाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम, अभेद भाव से, अभेद भाव से, तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।